स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस थाने के भीतर वर्दी में खई के पान बनारस वाला गाना गाकर नाचना चार पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया। सीपी रविंद्र कुमार सिंगल के आदेशानुसार उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए कर्मचारियों में तहसील थाने के SI संजय पाटनकर, हेड कांस्टेबल अब्दुल कयूम गनी, भाग्यश्री गिरी और कांस्टेबल निर्मला गौली का समावेश है। स्वतंत्रता दिवस पर तहसील थाने में सुबह 7:45 बजे ध्वजारोहण सम्पन्न हुआ। इसके बाद उपरोक्त कर्मचारियों ने थाने के भीतर उपलब्ध स्पीकर और माइक पर फिल्मी गाने गाए और नृत्य भी किया। पुलिस यूनिफॉर्म में कर्मचारियों ने खई के पान बनारस वाला गाना गाया और डांस भी किया। इसकी वीडियो क्लिप तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। किसी ने पुलिस कर्मियों को भी एंजॉय करने का हक होने की बात कही तो किसी ने आपत्ति भी जताई। वीडियो को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया। परिमंडल 3 के प्रभारी DCP राहुल बत्ते ने मंगलवार को चारों पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। आदेश में बताया गया कि पुलिस अनुशासन प्रिय दल है। शासकीय गणवेश धारण करने के बाद जनसामान्य में पुलिस की छवि आदर रखने वाली होनी चाहिए। इस बारे में पहले भी आला अधिकारी सूचना दे चुके हैं। इसके बावजूद फिल्मी गाने गाकर नृत्य करने से पुलिस की प्रतिमा खराब हुई है, इसलिए अधिकारों का उपयोग कर चारों को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान कर्मचारियों को आधी तनख्वाह मिलेगी और इसके अनुकूल महंगाई भत्ता दिया जाएगा। उनके सभी शासकीय हक छीन लिए गए हैं और इस दौरान वे और कोई व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। इस दौरान कोई भी अधिकारियों की अनुमति के बगैर मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। निलंबित कर्मचारियों को रोजाना सुबह 7 और रात 8 बजे मुख्यालय के आरक्षित पुलिस निरीक्षक के समक्ष हाजिरी लगानी होगी। आदेश में उन्हें अपनी किट, पहचान पत्र और सभी सरकारी दस्तावेज मुख्यालय में जमा करवाने को कहा गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।